हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डुमा लेक्चर में। तो एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आई है। कल हमने आप सभी को ये एक नोटिस दिखाई थी जिसमें हमने आप सभी को बताया था कि आप सभी के रिजल्ट जो है वो कल यानी कि 15 सितंबर या फिर 16 सितंबर को आ रहे हैं। लेकिन आज एक फिर से नई अपडेट आई है और उस नए अपडेट में क्या कहा जा रहा है, चलिए उसको देखते हैं कि आपके रिजल्ट कब आएंगे। ठीक है, वो दूसरी जो अपडेट है वो आप स्क्रीन पर दिख रही होगी, उसमें कहा जा रहा है कि छात्रों के लिए नई अपडेट ये है कि आज रिजल्ट नहीं आ रहा है। 16 सितंबर को रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है, लेकिन किसी वजह से ठीक अभी भी कहा जा रहा है कि 16 सितंबर यानी कि कल रिजल्ट आने की जो उम्मीद है वो है, लेकिन अगर किसी वजह से कल नहीं आता है तो रिजल्ट जो है आपका 17, 18 और 19 ये तीन दिन भी नहीं आएगा और 20 सितंबर को परिणाम जारी होगा। बोर्ड की तरफ से कोई बदलाव होगा तो फिर सूचना दी जाएगी। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि इन्होंने क्या कहा, जो जावेद मुस्तफा सर कल एक ट्वीट किया था जिसमें बताया था कि रिजल्ट आप सभी के 15 सितंबर शाम तक यानी कि आज शाम तक या फिर 16 सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आज इन्होंने ही अपने ट्विटर अकाउंट पे दोबारा से ट्वीट किया, बताया कि आप सभी के जो रिजल्ट है वो आज नहीं आ रहे, मतलब कि 15 को नहीं आएंगे, 16 को आने की उम्मीद है। अगर किसी कारणों से कल यानी कि 16 को फिर से नहीं आता है तो आप सभी के रिजल्ट 17, 18, 19 को भी नहीं आएंगे, ये तीन दिन भी नहीं आएंगे रिजल्ट। क्या रीजन है ये नहीं बताया इन्होंने। 19 को फिर आने के चांसेस है और अगर फिर बीच में कोई सूचना आती है, फिर बीच में कोई अपडेट आता है तो ये फिर से ट्वीट करके बताएंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है अपने रिजल्ट को लेते हुए और आप लोग तब तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा। तो आप अपनी पढ़ाई में उसके लिए कोई किसी तरह का कंप्रोमाइज ना कीजिए। ठीक है, तो यही एक अपडेट थी आप सभी के लिए जो देना था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई अपडेट आती है अपडेट को साथ में लेकर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद, थैंक यू।